नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया कि कोरोना के चलते जितने भी हिंदुओं के मंदिर है उसके सोना को तत्काल जब्त किया जाए। मैं इस वक्तव्य का तीव्रता से विरोध करता हूं और निषेध करता हूं, क्योंकि जिस कांग्रेस ने हमेशा से रामायण को काल्पनिक बताया, जिस कांग्रेस ने राम सेतु का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, वे कांग्रेस आज हमारे मंदिरों पर नजर गड़ाए बैठी है। जिस कांग्रेस के राज में हिंदू फल विक्रेता नाम रखने पर कार्रवाई होती है, जिस कांग्रेस के राज में एक हिंदू उपभोक्ता का यह तक अधिकार नहीं है कि वह किससे सामान ले किससे सामान नहीं ले, वे कांग्रेस आज हमारे मंदिरों पर नजर गड़ाए बैठी है। जिस कांग्रेस के प्राण वेटिकन में बसते हैं और उस वेटिकन से यहाँ के भारत के चर्चेस को फंडिंग की जाती है, वे कांग्रेस ने इन चर्चेस से कितने कोरोना के चलते पैसे का योगदान लिया, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस का गांधी परिवार जो कि मूलभूत खान है, वह राहुल खान उर्फ गांधी ने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और कितने मस्जिदों से कोरोना के चलते पैसे का योगदान लिया, यह कांग्रेस ने बताना चाहिए। कांग्रेस हमारे मंदिरों को लूटना बंद करे, हमारे मंदिरों पर ध्यान देना बंद करे, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, वहां के जो सोना चांदी है, वे हमारे धर्म प्रचार के लिए, हमारे भगवान देवी देवताओं के श्रृंगार के लिए। और यदि कांग्रेस के नेताओं को धन की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो वे हमारे मंदिरों के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाए, हम निश्चित रूप से उनके कटोरे में पैसे डालकर जाएंगे। नमस्कार।